हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, आज जुड़े हम सब देखने वाले हमारे बीच ट्रेंड पबजी वाल की जो नेक्स्ट अपडेट आने वाली है 2.1, उसके टॉप 10 अपकमिंग न्यू फीचर्स जो कि बहुत अमेजिंग होने वाले हैं। एंड उनको देखने के बाद आप यही बोलोगे, मजा आया। सो गाइस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। भी चलते अपने फर्स्ट फीचर पे जो होने वाला है, न्यू फायर आर्म्स, मतलब हमारी न्यू गन्स। यहाँ पे गाइस कुछ न्यू गन्स हमारी ऐड होने वाली हमारी नेक्स्ट अपडेट में। फर्स्ट, सबसे पहले आपको एक AMR देखने मिलेगी जो एक AWM जैसी गन होने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। आपको एयर ड्रॉप में ही मिलेगी एंड आपको उसके पास 5 गोली मिलेंगी, मतलब पूरे मैच के लिए सिर्फ 5 गोली होंगी आपके पास जो आप पूरे मैच में यूज़ कर सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल गन है, जैसे मैंने आपको बताया। एक बार मैं आपको उसको शूट करके भी दिखाता हूँ। देख सकते हो सामने एक कार खड़ी है एंड यहाँ पे मतलब 2 या 3 गोली में आप उसको पूरा ब्लास्ट कर सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है गन। एंड इसमें 0.500 की यहाँ पे एमओ लगने वाली है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लाइक कार के ऊपर शूट करके आप देख सकते हो, पहली में आग लग चुकी है, दूसरे में ब्लास्ट हो चुकी है। तो समझ सकते हो कितनी ज़्यादा पावरफुल गन होने वाली है। बट 5 ही गोली मिलेंगी तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज भी होने वाला है। बट गाइज, ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा क्या इस गन की बुलेट प्लेयर के आर पार जाएगी। मतलब अगर 2 प्लेयर खड़े हैं तो यहाँ पे दूसरे में भी जाके लग जाएगी क्या, क्योंकि बहुत पावरफुल है। उसके बाद यहाँ पे ACVAL नाम की एक न्यू गन आपको देखने मिलेगी। यहाँ पे टोटल 2 गन ऐड होने वाली, एक AMR है एंड एक आपकी टाइप M4 टाइप, या फिर आप बोल सकते हो इसमें 9-point कैमो लगेंगी। तो यहाँ पे मतलब ये तो अलग टाइप की गन होने वाली है थोड़ी सी, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल गन होने वाली टाइप ऑफ, इसको VSS टाइप भी बोल सकते हो, बिकॉज इसका एक खुद का स्कोप होने वाला है। जैसा आप देख सकते हो इसमें जब 4X आप लगाओगे मतलब, तो आपको मतलब VSS वाला फील मिलेगा, आपको नॉर्मल 4X वाला फील नहीं मिलेगा। एंड इसका रिकॉइल भी बहुत ज्यादा कम है, मतलब बहुत स्टेबल गन होने वाली है। एंड देखते हैं जब भी आएगी कैसा एक्सपीरियंस होता है हमारे इस गन के साथ भी। तो ये तो हमारी 2 न्यू गन हो चुके जो हमारी नेक्स्ट अपडेट में आएंगे। उसके बाद बात करें यहाँ पे हमारा न्यू इन गेम UI। यस गाइज, हमारा यहाँ पे जो इन गेम इंटरफेस है वो भी चेंज होने वाला है एंड यहाँ पे उसमें बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। एंड यहाँ पे गेम वाले मुझे नहीं पता क्यों चाहते, बट वो यहाँ पे इंप्रूवमेंट कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं गेम के UI के साथ। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये गाइज यहाँ पे बिल्कुल आपको लग रहा होगा न्यू स्टेट है, बट एक्चुअली में न्यू स्टेट नहीं है, ये हमारा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, मतलब PUBG मोबाइल BGMI है। एंड यहाँ पे आप देखोगे नीचे गन के साइन, या फिर यहाँ पे फायर बटन, या फिर यहाँ पे जॉयस्टिक, या फिर जो ऊपर प्लेयर के नाम्स हैं, मैप है, सब कुछ यहाँ पे लाइक टाइप ऑफ न्यू स्टेट या फिर जो PC गेम्स होते हैं उनकी तरफ ये शिफ्ट हो रहा है। आई डोंट नो अपेक्स आने की वजह से हुआ है या फिर किस वजह से यहाँ पे ये शिफ्ट कर रहा है, बिकॉज इस चीज के लिए उन्होंने न्यू स्टेट बनाया है। बट फिर भी यहाँ पे इसका UI चेंज किया जा रहा है, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पर्सनली अच्छा नहीं लगा, बिकॉज जिससे हमें यहाँ पे लगाव है वो पुराने वाला UI था एंड अभी न्यू UI ला के इसको एक अलग गेम में शिफ्ट करना कोई सेंस नहीं बनता है। बट गाइस, ये तो हो गया मेरा पर्सनल ओपिनियन। कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग अपना यहाँ पे लाइक ओपिनियन बताना कि आपके हिसाब से क्या यहाँ पे जो UI चेंज कर रहे हैं, इसको टाइप ऑफ न्यू स्टेट की तरह शिफ्ट कर रहे हैं, वो क्या सही है। बिकॉज गाइस एक्चुअली में आप देखोगे यहाँ पे जिस तरह से नाम लिखे हुए हैं एंड यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो, यहाँ पे जो भी वाले सारे बटन है, आई बटन हो गया, मैसेज बटन हो गया, सब कुछ यहाँ पे लाइक एक तो PC गेम्स की तरह यहाँ पे करा जा रहा है, मतलब इसको इंप्रूव किया जा रहा है, बेटर है। बट मेरे को वो फील नहीं मिल रहा जो मेरे को पुराने गेम से मिलता था, जैसे इरेंगल पुराने वाला, ये सब वो सब। अभी कैसे आप बताना आपके हिसाब से क्या ये सही कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बैकपैक में भी यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। ये तो सही है कि यहाँ पे बैकपैक में इंप्रूवमेंट किया गया है। जैसे आप देखोगे गाइस यहाँ पे जो थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप पीछे का भी थोड़ा देख पाओगे। बैकपैक खोल लेते थे तो आप पीछे नहीं देख पाते थे, भी थोड़ा बहुत आपको दिखेगा। साथ में यहाँ पे जो आपके मैग्स लगे हुए, अटैचमेंट लगी हुई है, ये सब मतलब जितनी अटैचमेंट इनके नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाले किसी अटैचमेंट को यहाँ पे समझने में। एंड यहाँ पे मतलब इनका नाम वगैरह थोड़ा यहाँ पे अच्छी तरह से देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे हेलमेट में आपको उसका लेवल एंड गाइस उसकी परसेंटेज वगैरह दोनों यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो ये भी एक बहुत सही, यहाँ पे थोड़ा सा बैकपैक में एक छोटा सा इंप्रूवमेंट भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। एंड गाइस यहाँ पे कुछ चेंजेस हमारे मैप में भी देखने मिलेंगे। पहले आपको गाइस कुछ ऐसा मैप देखने के लिए मिलता था एंड अभी उसको चेंज करके गाइस कुछ ऐसा कर दिया गया। अभी इसमें थोड़े छोटे से चेंजेस है। यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पे राइट साइड में पूरा एक लिस्ट बना दी गई है, जो भी यहाँ पे बटन्स होते थे मार्क करने वाला, यहाँ पे पाथ बनाने वाला वगैरह, सब कुछ यहाँ पे राइट साइड में कर दिया गया है, नीचे से थोड़ा साफ से कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे आपको लाइक इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। एक्चुअली में एक न्यू बटन भी ऐड किया गया है जो कि आप राइट साइड में नीचे देख सकते हो। अभी इसका क्या काम होने वाला है वो मेरे को नहीं पता, जब अपडेट आएगी जब भी पता चलेगा। बट हाँ, कुछ न्यू बटन्स भी ऐड हुए हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फीचर होने वाला है वो होने वाला है न्यू शॉप UI। यस गाइस, यहाँ पे जो हमारी शॉप है उसका भी UI थोड़ा सा इंप्रूव होने वाला है, जैसा गेम ऑफ पीस में होता है। मतलब जैसे कोई एक आउटफिट होता है, अभी आपको ऐसे देखने मिल रहा है, बट आप गाइस उसको यहाँ पे पूरा ऐसे अलग से पूरा एक व्यू देख सकते हो उसका सोलो एक आउटफिट का ही। मतलब सब कुछ यहाँ पे गायब हो जाएगा, सिर्फ बैकग्राउंड एंड आउटफिट रहने वाला है। एंड कुछ और यहाँ पे UI वगैरह की चेंजेस है, जैसे यहाँ पे जो क्रेट्स वगैरह सेलेक्ट करते हैं वो सब कुछ, तो वो भी यहाँ पे इंप्रूव होंगे। उसके बाद नेक्स्ट फीचर होने वाला है हमारा गाइस यहाँ पे टैक्टिकल बैकपैक। अभी आप बोलोगे भाई ये क्या चीज है, तो ये देखो यार, हम डायरेक्टली PUBG PC से यहाँ पे हमारे मोबाइल वर्जन में लाया जा रहा है। मतलब पहले गेम ऑफ पीस में आता है, फिर मोबाइल में आता है, बट ये डायरेक्टली हमारे गेम में देखने के लिए मिलेगा। अभी हमारी नेक्स्ट अपडेट में भी आ सकता है, उससे
नेक्स्ट अपडेट में भी आ सकता है। टाइप ऑफ ये एक बैकपैक होने वाला है जो गाइज आप ऐसे कहीं पे भी पड़ा मिल जाएगा, आप इसको उठा सकते हो। एंड गाइज जब इस बैकपैक को आप उठाओगे तो ये आपके जो गन वाला स्लॉट होता है उसमें आने वाला है। आप बोलोगे भाई ये क्या सीन है, तो हाँ जो आपका गन वाला सेक्शन होता है जहाँ पे आप दो ही गन रख सकते हो, तो एक तो गन हो जाएगी एंड एक जगह आप इसको रख पाओगे। अभी आप बोलोगे भाई इस बैकपैक का काम क्या होगा, तो देखो एक्चुअली में गाइज ये बैकपैक का एक बहुत बढ़िया काम होने वाला है। इसमें गाइज आप यहाँ पे चार चीजें रखने का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे गाइज आप एमओ रख सकते हो, गाइज फर्स्ट एड रख सकते हो, हेलमेट वेस्ट, चाहो तो यहाँ पे गन भी रख सकते हो। यस गाइज आप चाहो तो यहाँ पे AWM M4 एंड M249 एंड यहाँ पे शॉर्ट गन, चार गन इसमें रख के ले जा सकते हो अपने टीममेट्स वगैरह के लिए, या फिर कहीं पे भी आप एक सोलो जगह हो तो आप ऐसे टीममेट्स के लिए भी गन ला सकते हो। मतलब इसके अंदर आप बहुत सारा सामान भर के लेके जा सकते हो। लाइक गाइज आपको 3 M4 मिल जाती है तो आप इसमें रख के एंड ले जा सकते हो, अपने टीममेट को ले जाके दे सकते हो। तो ये बहुत सही फीचर होने वाला है। एंड उसके बाद गाइज नेक्स्ट फीचर होने वाला गाइज यहाँ पे न्यू एडिशन इन हमारे चेयर पार्क में। यस गाइज चेयर पार्क में लास्ट दो अपडेट से बहुत सारी चीजें चेंजेस हो रही है। यहाँ पे गेमिंग सेंटर वगैरह ऐड हुए, यहाँ पे गाइज एक शॉपिंग सेंटर ऐड हुआ है। अभी गाइज यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट में भी कुछ ना कुछ यहाँ पे इसमें चेंजेस होने वाले हैं जैसे यहाँ पे पता चला है। एंड एक्चुअली में भी ऐसा हो सकता है यहाँ पे जो हमारा गेमिंग एंड शॉपिंग सेंटर है ये ओपन हो जाए एंड इसके अंदर में जाने का ऑप्शन मिल जाए। एंड हमारा नेक्स्ट फीचर होने वाला है गाइज बग फिक्स अपडेट, जिसके में बहुत ज्यादा नीड भी अभी 100% कंफर्म नहीं है, बट गाइज यहाँ पे चांसेस यही है कि हमारी जो नेक्स्ट अपडेट होने वाली है उसमें हमें बग फिक्स का एक बहुत बड़ा अपडेट देखने के लिए मिल सकता है, जहाँ पे यहाँ पे बीच वन पबजी वाले सारे बग्स को फिक्स कर सकते हैं। अभी गाइज एक्चुअली उसमें क्या होगा कि एक्चुअली में जितने भी बग्स वगैरह वो सब फिक्स हो जाएंगे, इससे प्लेयर बेस भी थोड़ा सा रिटर्न होगा क्योंकि यहाँ पे लोगों ने इसीलिए गेम खेलना छोड़ा बिकॉज इतने सारे बग्स ग्लिचेस एंड रीजन तो बहुत सारे, बट एक्चुअली में यहाँ पे जो लोग अभी अपेक्स पे शिफ्ट हो रहे हैं या फिर और जो अदर गेम्स आ रहे हैं अभी उन पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो इसलिए एक्चुअली में यहाँ पे वो लोग भी नहीं चाहेंगे यहाँ पे बग्स की वजह से लोग यहाँ पे लीव करें, तो एक बग फिक्स का भी अपडेट देखने के लिए मिल सकता है बिकॉज अभी अपेक्स आया है सो यार उस पर भी थोड़ी बहुत ऑडियंस शिफ्ट होगी। एंड एक्चुअली में गाइस यहाँ पे बग्स बहुत सारे हमारे गेम में, जैसे यहाँ पे गेम लोडिंग स्क्रीन पे अटक जाता है या फिर कभी कुछ हो जाता है, बहुत लंबी लिस्ट है यार, मैं कहाँ तक ही आपको बताऊंगा। तो हाँ मे बी हमें नेक्स्ट अपडेट में गाइस यहाँ पे एक बग फिक्स का भी अपडेट देखने के लिए मिल सकता है, जो कि बहुत ज्यादा बेटर होने वाला है हम सभी के लिए भी एंड साथ ही में गेम को डेड होने से थोड़ा बहुत रोकने के लिए भी। सो देखते हैं लेट्स यहाँ पे हमारा बग फिक्स का अपडेट कब तक आता है। अभी गाइस बात करें यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट फीचर होने वाला है वो गाइस एक न्यू अटैचमेंट होने वाला है जो सिर्फ शॉटगन्स के लिए होने वाला है। यस गाइस अभी आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे एक न्यू अटैचमेंट हमें देखने के लिए मिलेगा, जिसका नाम मे बी कुछ क्विक रीलोडर करके कुछ ऐसे ही होगा, जो बेसिकली आपके रिकॉर्डिंग जो रीलोडिंग स्पीड होती है गन की वो यहाँ पे इंक्रीज करने वाला है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे एक्चुअली में देखो यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे शॉट गन फायर करता हूँ, उसके बाद आप देखोगे जब गाइस यहाँ पे ये रीलोड होगी तो आप देखो कि इतनी स्पीड से यहाँ पे रीलोड हो रही है, तो यहाँ पे तीनों शॉट गन में वर्क करने वाला है, तो यहाँ पे बहुत सही है। लाइक यहाँ पे आप बोल सकते हो जो लोग शॉट गन यूज़ करते हैं उनके लिए अटैचमेंट होने वाला है। अभी लेट्स सी गाइस इसको हम कैसे यूज़ कर पाते हैं, क्या इतना ही बेटर होगा या फिर ये दूसरा अटैचमेंट आके चला जाएगा, लेट्स सी वो तो पता चलेगा जब यहाँ पे हम इसको गेम में यूज करेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट फीचर होने वाला गाइस यहाँ पे हमारा न्यू ब्लू जोन ग्रेनेड। यस गाइस यहाँ पे ग्रेनेड बहुत ज्यादा स्पेशल है जो थोड़ा स्मोक की तरह दिखाई देगा एंड ये टाइप ऑफ एक ब्लू जोन ग्रेनेड है जिससे आप कहीं पे भी जोन के अंदर जोन के बाहर कहीं पे भी यहाँ पे ब्लू जोन बना सकते हो। एंड एक्चुअली आप सोचो यहाँ पे कोई बंदा किसी शेक में बैठा है फिर किसी ऐसी जगह छुप के बैठा है जहां से वो निकलेगा नहीं, तो वहां पे आपको बस ये ग्रेनेड फेंक देना है, वहां पे ऑटोमेटिकली ब्लू जोन बन जाएगा जो कि बहुत जल्दी उसकी हेल्थ लेगा, मतलब यहाँ पे वो फर्स्ट एड भी नहीं मार पाएगा। तो एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा लाइक आप देख समझ सकते हो कोई सांप बना हुआ है कोई पत्थर के पीछे या फिर कहीं पे भी है, आप वहां पे इसको फेंक दो उसको यहाँ पे पूरा वो डिस्टेंस छोड़ के भागना पड़ेगा, तो ये बहुत सही अपडेट है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर होने वाले गाइस अपना यहाँ पे मास्टरी अपडेट। अभी गाइस ये फीचर ऐसे वर्क करने वाला है, यहाँ पे गाइस आपको कुछ कार्ड वगैरह मिलेगा, कुछ आपका लेवल होगा, जितने ज्यादा आप मैचेस खेलोगे आप कोई भी मैच खेलो आपका लेवल अप होगा एंड जिस भी बंदों का 100 में से 4 बंदों का लेवल अप होगा वो आपको यहाँ पे इस टाइप से खड़े होकर देखने के लिए मिल जाएंगे, उनके यहाँ पे लगे ये जो स्टैचू ऐसे देखने के लिए मिलेगा, तो भी टॉप 4 बंदे होंगे यहाँ पे पूरे इसमें से। अभी गाइस यहाँ पे हम बात करें गाइस न्यू कोलैबोरेशन को, तो यहाँ पे हाँ गाइस यहाँ पे न्यू कोलैबोरेशन हमें मार्वल के साथ देखने के लिए मिल सकती है यहाँ पे हमारी बीजीएम पबजी मोबाइल के, एंड मार्वल तो आप सभी को पता ही होगा। सो गाइस यहाँ पे पबजी मोबाइल के ट्वीट के नीचे एक बंदे ने कमेंट किया था जहाँ पे उसने बोला था कि यहाँ पे पबजी मोबाइल मार्वल के साथ कोलैब करो एंड कुछ आउटफिट्स लाइक आयरन मैन वगैरह कुछ ऐसे लेके आओ, एंड यहाँ पे एक्चुअली में उसको यहाँ पे पबजी मोबाइल वालों ने लाइक किया, तो मे बी पॉसिबल है कि इन फ्यूचर हमें यहाँ पे कोलैब देखने के लिए मिल सकता है बिकॉज ऐसे बहुत सारे कमेंट होते हैं बट वो किसी को भी लाइक नहीं करते। एंड अभी न्यू मूवी भी आ रही है थोर लव एंड थंडर, तो मे बी यहाँ पे उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे आउटफिट या फिर कुछ ना कुछ ऐसे कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है जहाँ पे हमें उस रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। अभी मूवी तो गाइस यहाँ पे हमारी जुलाई में आएगी, तो यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट से नेक्स्ट अपडेट तक का टाइम है, तो मे बी 2.2 में भी हमें इसका यहाँ पे कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है। लेट्स सी यहाँ पे कब तक कोलैबोरेशन होता है, कैसा कोलैबोरेशन होगा, कि तो जब होगा हमें जब ही पता चलेगा, बट जब भी होगा मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा। बाकी होपफुली बताना गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय गाइस।